नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का सिर्फ कारोबार या उनकी नेटवर्थ ही बड़ी नहीं है, बल्कि उनका दिल भी उतना ही बड़ा है। अंबानी परिवार के संस्कारों और उनके जमीन से जुड़े होने की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन इस बार जो खबर आई उसने तो सबको ही चौंका दिया। मुकेश अंबानी की दरियादिली की खबर ने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जो भी इस खबर को सुन रहा है वो यही कह रहा है कि भाई वाह, बॉस हो तो ऐसा हो। दरअसल मुकेश अंबानी ने अपने एक कर्मचारी को एक दो नहीं बल्कि पूरे 1,500 करोड़ रुपए का आलीशान घर तोहफे में दिया है। ये दोस्त हैं मुकेश अंबानी का दायां हाथ कहे जाने वाले मनोज मोदी। मनोज मोदी लाइमलाइट और सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहते हैं। मनोज मोदी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सबसे पुराने, सबसे भरोसेमंद और ईमानदार कर्मचारियों में से एक हैं। मनोज मोदी रिलायंस जियो और रिटेल के डायरेक्टर भी हैं। साल 1980 से वो अंबानी के साथ ही हैं। इससे पहले दोनों क्लासमेट भी रह चुके हैं। उनका और अंबानी का रिश्ता केवल ऑफिस तक ही सीमित नहीं है, अंबानी के घर में भी उनकी बहुत इज्जत है। उनके काम के प्रति आदर दिखाते हुए अंबानी परिवार ने उन्हें ये बेशकीमती उपहार दिया है। इस आलीशान प्रॉपर्टी का नाम वृंदावन रखा गया है। ये घर मुंबई में नेपियन सी रोड पर बना है। नेपियन सी रोड मुंबई का पॉश इलाका है। ये बिल्डिंग 1.7 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैली हुई है। प्रीमियम लोकेशन में बने इस 22 मंजिला घर का हर फ्लोर 8,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसमें 7 फ्लोर तो केवल कार पार्किंग के लिए ही रिजर्व रखे गए हैं। और इतना ही नहीं, इसमें लगा हुआ फर्नीचर भी बेहद खास है, जिसे इटली से इंपोर्ट करके मंगाया गया है। प्रॉपर्टी की कीमत 1500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुकेश अंबानी की इस दरियादिली को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।